सभी छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन सावन के माह के अंदर 100 पौधे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ आज हमारे आदरणीय प्रोफेसर कुलपति माननीय अनिल शुक्ला जी ने किया है और आज हमारे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विजय श्रीमाली जी की चौथी पुण्यतिथि भी है। MDS यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्रीमाली की स्मृति में सघन वृक्षारोपण, छात्र नेताओं ने 101 पौधे लगाने का लिया लक्ष्य। कुलपति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों से आगे आने का किया आह्वान, यूनिवर्सिटी कैंटीन का किया अवलोकन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्र नेताओं की मौजूदगी में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला के आतिथ्य में छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। छात्र नेता रोशन गुर्जर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्रीमाली को याद करते हुए कहा कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ करना बहुत ही सार्थक पहल है। कुलपति शुक्ला ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि सावन के महीने में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन पर अपने नाम की पर्ची लगाकर उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लें। इस अवसर पर कुलपति शुक्ला ने कैंटीन का अवलोकन भी किया और कैंटीन में छात्र छात्राओं से वार्ता कर कैंटीन में और अधिक सुधार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छात्र नेता रोशन गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय की कैंटीन के आसपास के क्षेत्र में छायादार पेड़ों के पौधे लगाए गए हैं। आगामी दिनों में उनके द्वारा वृक्षारोपण का अभियान कैंपस में जारी रहेगा। गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी अपने अपने घर, मोहल्ले, कॉलोनियों व गांवों में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया है। वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन, छात्र नेता रोशन गुर्जर, उपाध्यक्ष दीपक चौधरी, शाहबाज खान, हेमंत पाल, सूरज खींची, विक्की शेखावत, रविंद्र सिंह राठौड़, विकास सेन, गणपत रावत, शंकर मावता सहित कई छात्र मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मिलकर के इस सावन के महीने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके वृक्षारोपण कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये कार्यक्रम एक दिन के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं है, किसी एक विभाग के लिए नहीं है, बल्कि समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको जोड़ करके और अधिक से अधिक इस बरसात के मौसम में वृक्षारोपण है। मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन करूंगा कि वो जो पेड़ लगा रहे हैं, वो जो विद्यार्थी लगाए, अगर उसमें वो अपना टैग लगाए, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले, तो वृक्ष ज़्यादा अच्छी तरीके। अजमेर के अंदर छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण का एक अभियान चालू किया गया, जिसके अंदर इन सभी छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन सावन के माह के अंदर 100 पौधे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ आज हमारे आदरणीय प्रोफेसर कुलपति माननीय अनिल शुक्ला जी ने किया है और आज हमारे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विजय श्रीमाली जी की चौथी पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर हमने अभियान चालू किया है और आज इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय ने यहाँ पर कैंटीन के पास में पौधा लगाकर इस अभियान के शुभारंभ करी और हमारे विद्यार्थियों के आग्रह पर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी ने आज कैंटीन का एक सर्वे भी किया, भ्रमण भी किया, यहाँ पर व्याप्त अव्यवस्थाओं का जायजा लेकर और जल्द से जल्द निराकरण करने का हमें आश्वासन भी दिया। माणी जी की पुण्यतिथि पर हमने आज पौधा लगाया और हमारे DC साहब भी उपस्थित रहे और हमने सारे स्टूडेंट विद्यार्थियों ने संकल्प लिया है कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में कम से कम 101 पौधे लगाने का कार्यक्रम कराया है और हम हर गांव, हर ढाणी में सबको एक एक पौधे लगाने का कार्यक्रम बताएंगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पूर्व प्रोफेसर आदरणीय श्री माणी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में काफ़ी युवा थे और सभी ने एक संकल्प लिया कि आने वाले टाइम के अंदर कम से कम एक से एक पौधे लगाएंगे और उनका ध्यानपूर्वक पानी रोज पिलाएंगे, उनका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा।